हेलो फ्रेंड्स, पिकिंग योर ओन स्टॉक्स। अगर आपके पास टाइम और इंटरेस्ट है तो आप अपने खुद के स्टॉक चुनने के एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। अपने खुद के स्टॉक चुनना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन आप अपने खुद के शेयरों को चुनने से काफी सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। टाइम के साथ शायद आप अधिकतर फंडों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि आपके सभी स्टॉक नहीं बढ़ेंगे। हिस्ट्री में किसी भी स्टॉक पिकर को कभी भी 100% सक्सेस रेट नहीं मिलती है। वॉरेन बफे और पीटर लिंच ने भी गलतियां की हैं, लेकिन अगले 10 साल में आपको केवल कुछ बिग विनर्स की जरूरत है। अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं और उनमें से 3 बिग विनर्स हैं और 1 या 2 लूजर्स हैं, साथ ही 6 या 7 शेयरों ने एवरेज रिटर्न दिया है, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप अपने लाइफ टाइम में कुछ 3-fold यानी ट्रिपल खोजने में कामयाब है, जो स्टॉक आपके द्वारा बाइंग प्राइस से 3 गुना बढ़ गए हैं, तो आपको लाइफ में पैसे खर्च करने की कभी कमी नहीं होगी, चाहे आपने कितने भी लूजर स्टॉक पिक किए हो। और एक बार जब आप सक्सेसफुल कंपनीज को फॉलो करने के बारे में सीख लेते हैं, तो आप सक्सेसफुल कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं और फ्लॉप में अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न के इस वीडियो में पिकिंग योर ओन स्टॉक्स पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप अपने पैसे को अक्सर स्टॉक में 3 गुना ना करें, लेकिन आपको एक बड़ा फॉर्चून बनाने के लिए लाइफ टाइम में केवल कुछ ट्रिपल्स की जरूरत होती है। यहाँ गणित कुछ इस तरह से है। अगर आप $10,000 से शुरू करते हैं और इसे 5 बार 3 गुना करने में सफल रहते हैं, तो आपको $2.4 मिलियन मिलते हैं, और अगर आप इसे 10 बार 3 गुना करते हैं, तो आपको $590 मिलियन मिलेंगे, और अगर आप इसे 13 गुना ट्रिपल्स कर देते हैं, तो आप अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। एक्चुअली आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने और अपने खुद के स्टॉक खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई इन्वेस्टर्स दोनों करते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न पाने के फॉर्मूले, जैसे जल्दी शुरू करने के फायदे, प्लान बनाना, प्लान से चिपके रहना और क्रैशेस और करेक्शंस के बारे में चिंता ना करना एटसेट्रा, ये सब आपके द्वारा चुने गए शेयरों के पोर्टफोलियो पर भी लागू होते हैं। लेकिन यहां 2 प्रॉब्लम्स तुरंत आपके सामने आती हैं। नंबर 1, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि कौन से शेयरों को चुनना है। नंबर 2, मैं उन्हें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि शेयरों को कैसे चुनना है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही रिस्की है। आपको अपनी मेहनत की कमाई को रिस्क में डालने से पहले कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको सरप्राइज होगा कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं और एक दिन अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं और अपना लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट शेयर मार्केट में लगा देते हैं। ये इसी तरह से है जैसे किसी को ड्राइविंग नहीं आती और इसे सीधे हाईवे पर बड़ा वाला ट्रक चलाने के लिए दे दिया जाए। अगर कोई और आपको ट्रेन करने वाला नहीं है, तो कम से कम आप अपने आप को ट्रेनिंग तो दे ही सकते हैं। आप डायरी बनाएं और अलग अलग स्टॉक्स के बिहेवियर को जानने की कोशिश करें। फिर से एक यंग पर्सन को एक फायदा होता है, आपके पास कम से कम कुछ टाइम के लिए इमेजिनरी इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की लग्जरी है, क्योंकि आपके पास अभी कई साल बाकी हैं। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होगा, तब तक आप इसे रियल में करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आपने इस तरह क्रिकेट गेम खेले होंगे या फिर सुना होगा जिनमें आप इमेजिनरी टीम चुनते हैं और फिर आप इसका मजा लेते हैं कि किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए और किस बॉलर ने कितने विकेट लिए। इसी तरह आप एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बनाकर शेयर मार्केट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान ले कि आपके पास 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हैं, जो आपका मन करें। अब अपनी पसंदीदा कंपनी में शेयर खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मान ले कि आपके 5 फेवरेट कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स। तो आप 1 लाख रुपए को 5 भागों में बांट ले और हर स्टॉक में 20,000 रुपए लगा दे। मान लें कि आपकी इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग डेट 6 जुलाई 2021 है और इसे इन्वेस्टमेंट लाइनअप मान लें। एक बार जब आप अपने शेयरों को चुन लेते हैं और कीमतों को लिख लेते हैं, तो आप अपने गेन्स और लॉसेस को वैसे ही ट्रैक कर सकते हैं जैसे आप कैश मनी में करते हैं।
आप अपने रिजल्ट्स की तुलना उन रिजल्ट्स से कर सकते हैं जो आपके माता पिता अपने रियल इन्वेस्टमेंट में प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका में सिक्योरिटीज इंडस्ट्री फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए काल्पनिक स्टॉक पिकिंग के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया। 1994 से 1995 में 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस गेम को खेला। सभी को टीमों में बांट दिया गया और उन्हें एक काल्पनिक अमाउंट दे दिया गया जिससे उन्हें स्टॉक खरीदने थे। इस गेम में शुरू से लास्ट तक करीब 10 हफ्तों का टाइम लगता है, फिर रिजल्ट को देखा जाता है। जिस टीम के शेयरों में इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की वो टीम जीतती है। हर स्कूल में विनिंग टीम्स लोकल, काउंटी और रीजनल और स्टेट लेवल तक दूसरे स्कूलों से कॉम्पिटिशन करती है। स्टॉक मार्केट गेम खेलना मजेदार होने के साथ साथ एजुकेशनल भी हो सकता है, जब तक कि प्लेयर्स को इन्वेस्टिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं और रिजल्ट बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि 13 हफ्ते 26 हफ्ते यहाँ तक कि एक साल में स्टॉक की कीमतों का क्या होता है, ये काफी हद तक लक की बात है। प्रैक्टिस सेशंस आपको एक सच्ची परीक्षा देने के लिए पर्याप्त टाइम तक नहीं चलते हैं। एक शेयर 13 हफ्ते में गिर सकता है, लेकिन 3 या 5 साल में एक बड़ा विनर हो सकता है, या एक 13 हफ्ते का विनर आगे बहुत बड़ा लूजर हो सकता है। लंबे टाइम में अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टॉक उन कंपनियों के होते हैं जो लंबे टाइम में अच्छा प्रदर्शन करती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की सक्सेसफुल कंपनीज को ढूंढना है। अपने ट्रेनिंग सेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने के लिए आपको शेयरों की प्राइस पर नजर रखने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। आपको अपने द्वारा चुनी गई कंपनियों के बारे में जितना पॉसिबल हो उतना सीखना होगा और ये भी जानना होगा कि वो लंबे टाइम तक कैसे टिकेगी। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।